साइबर पुलिस देवघर ने परथरदा ओपी और बुधई थाना क्षेत्र से 9 साइबर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड को किया बरामद। देवघर पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और देवघर जिले के बुढ़ाई थाना क्षेत्र और पथरदा ओपी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 12 मोबाइल और 17 सिम को किया बरामद। ये सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर कैशबैक के नाम पर ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करता था। गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष चंद्र दास, अभिषेक कुमार दास, रुजुन दास तीनों पथरदा ओपी क्षेत्र के चोरमारा गांव के प्रफुल्ल कुमार दास, मनीष कुमार दास देवीपुर थाना क्षेत्र के बलनाडी, दीपक कुमार दास मधुपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, दिनेश कुमार मंडल पिंटू मंडल पप्पू मंडल बुढ़ाई थाना क्षेत्र के डेलीपाथर गांव से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त दिनेश मंडल एवं पिंटू मंडल पूर्व में भी साइबर के मामले में जेल जा चुका है। जो साइबर अपराधों के विरुद्ध जो गुप्त सूचना मिल रही है उसमें कल पथरदा ओपी और बुढ़ई थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से 12 मोबाइल फोन और 17 सिम बरामद हुए हैं। ये बेसिकली साइबर जो नॉर्मल साइबर क्राइम होते हैं, जिसमें कैशबैक के थ्रू जो पैसा लेना हुआ या फिर जो आपका फ़ोनपे और गूगल पे के कस्टमर बनकर के पैसा लेने का काम करते थे, और इनका जो मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल मोडस ऑपरेंडी जो अभी चल रहा है वही है। और इस पे इनका जो आपराधिक इतिहास है उसमें जो दिनेश मंडल और पिंटू मंडल है दोनों पूर्व में भी 2020 में और 7/20 में जो है वो पूर्व में भी जो है साइबर अपराध में वांछित थे। और इनका जो इनके पास से जो बरामदगी है वो 12 मोबाइल फ़ोन और 17 सिम है, और इनका जो मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। इनका क्राइम लिंक को जो है और निकाला जाता है।